बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुक बुक बाय यास्मीन यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। 100 व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अफ़ग़ानी पुलाव बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी पुलाव रेसिपी है और बहुत आसान भी है। बहुत ही आसानी से ये शानदार पुलाव हम बना सकते हैं। आपके घर में कोई भी पार्टी या ओकेजन हो और आपको पुलाव हल्का फुल्का सा बनाना हो तो आप ये पुलाव बना सकते हैं। सबको पसंद भी आएगा और आसानी से बन भी जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अफ़ग़ानी पुलाव बनाने के लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच है साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच है साबित काली मिर्चें, 5 से 6 ली हैं लौंग, 5 से 6 हरी इलायची ली हैं, 3 बड़ी इलायची ली है और आधी चाय का चम्मच से लिया है शाही ज़ीरा। इसको मिक्सिंग के जार में डालेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे और ये हमने इसका पाउडर बना लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधी चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा अफ़ग़ानी पुलाव मसाला रेडी है। इधर हमने एक पैन लिया और पैन में ऐड किया है 2 टेबल स्पून ऑयल और इसमें ऐड कर देंगे 10 से 15 बादाम और बादाम को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बादाम में जब लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ब्लैक किशमिश और 1 टेबल स्पून गोल्डन किशमिश। 1 से 1.5 मिनट इनको फ्राई करेंगे और निकाल के साइड पर रख देंगे। और फिर इसी पैन में हम ऐड करेंगे 1 कप जूलियन कट की हुई गाजर और इनको भी 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे और निकाल के साइड पर रख देंगे। अब हमने एक पॉट लिया और पॉट में ऐड किया है 1/2 कप ऑयल और इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज में जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज में 1/2 मिनट फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। तो इधर मैंने 1/2 किलो बीफ लिया है। आप लोग चाहें तो ये पुलाव मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। गोश्त इसमें ऐड कर देंगे। गोश्त का कलर जब चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून अफ़ग़ानी पुलाव मसाला, नमक हसबे जायका और इसको हम 1 से 1.5 मिनट कुक करेंगे। तकरीबन 1.5 मिनट गोश्त को मैंने तेज़ आंच पे भूना है। तो अब हमें इसमें डाल देना है पानी। मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कप पानी। अब इसको कवर करके 40 से 50 मिनट या गोश्त गल जाने तक पका लेंगे लो फ्लेम पे। गोश्त जब गल जाएगा गोश्त को बाउल में निकाल लेंगे और बाद में यूज़ करने के लिए साइड पर रख देंगे। और अब हम इस यखनी में ऐड करेंगे चावल। तो इधर मैंने 3 कप अच्छी क्वालिटी के चावल लिए थे और इनको मैंने 1/2 घंटे के लिए भिगो दिया था। चावलों को हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करके दरमियानी तेज़ आंच पर इसको पका लेंगे और जब इसमें 1/2 कप जितनी यखनी रह जाएगी फिर हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। और अब बादाम, किशमिश और गाजर जो हमने फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
बस थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। अब इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको दम कर लिया है और हमारा मज़ेदार सा अफ़गानी पुलाव रेडी है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब बिल्कुल हल्के हाथों से इसको ऊपर नीचे कर लेंगे और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट, एकदम डिलीशियस हमारा अफ़गानी पुलाव बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इस पुलाव को सर्व कर लेते हैं। तो आपने देखा अफ़गानी पुलाव बनाना कितना आसान था। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट से ज़रूर करिएगा। सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।